मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। दोस्तों, हम सभी लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हैं और हमें देखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो अमेज़न प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब हो। तो ऐसा ही कुछ कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए इस बार लाया है, जो 5 फिल्मों का कलेक्शन है। और ये सारी की सारी 5 फिल्में साउथ इंडिया की है और ये सारे हिंदी डब्ड है। इन सारे मूवीज़ के हिंदी डब वर्जन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन मूवीज का लिंक भी डाल दिया है, जो आप लिंक पे क्लिक करके सीधा मूवी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वो 5 फिल्में। जो पहली फिल्म है दोस्तों, वो है यू टर्न। शायद आपने इसके बारे में सुनी भी होगी। इस फिल्म के जो मेन एक्टर हैं वो है समंथा और अधि। और ये फिल्म एक यू टर्न जो होता है, गलत तरीके से बनाया हुआ, उसके इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे जो भी उस यू टर्न से टर्न लेता है उसकी मौत हो जाती है। ये मौतें क्यों होती है, कौन कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसी को ये फिल्म दिखाती है हर तरीके से। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, समंथा जी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये फिल्म मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को देखें। आगे बढ़ते हैं अब अपने हम दूसरे फिल्म की ओर, जो कि ये फिल्म लास्ट ईयर आई थी 2019 के अंदर में। इसके मेन एक्टर है अरुण विजय और ये फिल्म काफी एडवांस फिल्म है। मैं बोलूंगा कि इंडिया में इस तरीके की कॉन्सेप्ट हमने पहले नहीं देखी है, जहाँ की दो भाई होते हैं और एक मर्डर होता है। वो मर्डर कौन कर रहा है दोनों भाइयों में से, ये फिल्म लास्ट तक हमें उसमें उलझा के रखती है, सस्पेंस बना के रखती है। और जब वो सस्पेंस हमको देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म भी जरूर ही देखिए। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे फिल्म की ओर। ये फिल्म थोड़ी पुरानी जरूर है, बट इसको मैं एक क्लासिक फिल्म बोलूंगा साउथ इंडियन फिल्म की, क्योंकि ये काफी इस फिल्म के जरिए बिल्कुल नजरिया चेंज कर दिया था इन्होंने साउथ इंडस्ट्री की तरफ देखने का। इस फिल्म का नाम है रंगी तरंगा, जहाँ पे एक हस्बैंड और एक वाइफ रह रहे होते हैं। उनको उनकी वाइफ को कुछ नाइटमेयर्स आते हैं, वो अपने गांव जाते हैं और फिर वो गांव में क्या होता है, किस तरीके से उनकी जो पास्ट है वो आता है सामने, कहाँ पे क्या छुपा हुआ है राज, उस राज को ये फिल्म खोलती है। और जब आप देखोगे इसका क्लाइमेक्स तो आप बिल्कुल ही शॉक रह जाओगे दोस्तों। तो ये फिल्म भी आपको जब भी मौका मिले आप जरूर देखिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम चौथी फिल्म पे, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म है और शायद इसकी राइट्स हिंदी बॉलीवुड ने भी खरीद ली है और बहुत जल्दी शायद आपको ये फिल्म हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगी। इस फिल्म का नाम है विक्रम बेदा। इसके मेन एक्टर हैं आर माधवन और विजय सेतुपति, दोनों ही बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने वापस ये चीज साबित करी है। कहानी बेसिकली ये है कि एक पुलिस होता है और एक माफिया होते हैं, दोनों के बीच एक जो कैट एंड माउस वाला जो होता है वो सीन चल रहा होता है। आर माधवन को पकड़ना चाहते हैं और वो अलग अलग तरीके से आर माधवन को कोशिश करते हैं कि बताने के लिए कुछ। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, कौन सही है कौन गलत है, एज ए ऑडियंस हम पकड़ लेते हैं कि ये सही है ये गलत है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब आप ये फिल्म देखेंगे और जब इसका आखिरी कुछ पल जो फिल्म के हैं वो जब आप देखेंगे, तो आप बिल्कुल ही एक बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसका लास्ट देखकर। आपको बहुत ही मजेदार लगेगी ये फिल्म। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं फिल्म की ओर। ये फिल्म जो है मेरी पर्सनल बहुत ही फेवरेट है और इसको मैं अभी तक की बेस्ट थ्रिलर फिल्म बोलूंगा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है रत्सासन। शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने ये फिल्म देख भी ली होगी और इस फिल्म का मैं अलग से भी एक वीडियो रिव्यू करूंगा, बट अभी मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ कि कुछ स्कूल जाती हुई बच्चियों का इस फिल्म के अंदर में मर्डर्स होता है और बहुत बुरी तरीके से मर्डर्स होते हैं, उनको अलग अलग जगह पे फेंक दिया जाता है। बट ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है, वो मर्डर्स क्यों कर रहा है, इसी को ये फिल्म दर्शाती है एक बहुत ही अच्छे तरीके से। डायरेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। ये फिल्म भले ही 2.5 घंटे की, बट आपको कहीं बोर नहीं करती है, बिल्कुल अंत तक बांध के रखती है। और जब आप ये फिल्म देख के उठेंगे तो आप तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी ऐसी 5 फिल्में जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी देखें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां सीधा फिल्म देख सकते हैं। बाकी कुछ अगर आपको और लगता है तो मुझे अपने सजेशन जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कौन इससे भी अच्छी सस्पेंस मूवीज हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक्स दोस्तों, जय।